हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2018 के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है एसएससी का फॉर्म रिलीज हो चुका है और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 27 जुलाई से टेंटेटिव है। तो हमारे पास सिर्फ 60 डेज का टाइम मैक्सिमम बचा हुआ है। इन 60 डेज में हम कैसे 160+ का स्कोर कर सकते हैं, आज उसी की स्ट्रेटेजी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं विमल कुमार एसएससी सीजीएल 2016 के थ्रू एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ। ठीक है, कैसे सिलेक्शन में चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो कि हमारा सिलेक्शन रोकती हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वही सारी चीज़ें हमको नहीं करनी है जो हमारे 160+ के स्कोर को रोकने की कोशिश करेंगी। हम कैसे अपने 160+ का स्कोर बनाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टायर वन जो है वो 4 पार्ट में आपका डिवाइडेड है। नंबर 1 मैथ, नंबर 2 इंग्लिश, नंबर 3 जीएस और नंबर 4 रीजनिंग। इन चारों सेक्शन से मिला के 160+ का स्कोर करने के लिए हम आपसे आशा करते हैं कि 8 से 10 घंटे आपके हमें चाहिए हैं। 8 से 10 घंटे इतना तो भाई दे सकते हो अगर सीजीएल निकालना है। ठीक है, 8 से 10 घंटों को इन 4 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हमको करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स के लिए आप डेली 2 से 3 आवर्स अपने दे दीजिए और ये आवर्स आप मॉर्निंग और नाइट को छोड़ के दोपहर के टाइम में शिफ्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि दोपहर का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर बंदों को सबसे ज़्यादा नींद आती है। तो उस टाइम में नींद आने के टाइम पर जब दिमाग ज़्यादा चलेगा तो नींद नहीं आएगी भाई, उस टाइम पीरियड में आप मैथ्स लगाइए। दोपहर का कोई भी टाइम आप ले सकते हैं, 10 से 4 के बीच कोई भी टाइम आप 2 से 3 घंटे अपने मैथ्स को दे सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है मैथ्स 2 पार्ट में डिवाइड है, अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस। अर्थमेटिक और एडवांस पार्ट में डिवाइड है और उनका रेशियो अप्रॉक्स 50-50 रहता है, कभी 60-40 हो जाता है लेकिन मैक्सिमम 50-50 रहता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी कैसे है? सबसे पहली चीज़ मैथ्स में आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट पकड़ के रखने हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छा काम करना है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन नया बनता है तो वो कॉन्सेप्ट से ही बनता है। जैसे कि एसएससी 2017 में देखा गया कि नए क्वेश्चन आ रहे थे लेकिन नए क्वेश्चन बने कहाँ से, उसका आंसर कहाँ से आया, लोगों ने लगाए हैं उन क्वेश्चन को, कैसे लगाए, जिनके कॉन्सेप्ट सॉलिड थे उन लोगों ने वो क्वेश्चन लगाए, यानी कि रट्टा मार काम नहीं चलना है। ठीक है, रट्टा भी मारना है आपको और कॉन्सेप्ट भी सीखना है, तो आपके पास 60 डेज का टाइम इनफ है आपको अपने कॉन्सेप्ट को कायदे से बिल्डअप करने के लिए, उनको कायदे से अपना बांध करके कॉन्सेप्ट। इसके लिए आपको करना क्या है, आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, किरण प्रीवियस ईयर, दूसरा राकेश यादव। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो आप क्या करें, राकेश यादव लगा सकते हैं, लेकिन नए लोग राकेश यादव छूने की कोशिश ना करें क्योंकि राकेश यादव में जो सॉल्यूशन दिए गए हैं वो शॉर्टकट तरीके से दिए गए हैं जिनको समझना लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप कोशिश करें किरण प्रीवियस ईयर्स में भी इस साल से या पिछले साल से क्या किया गया है, कॉन्सेप्ट को थोड़े से छोटे किया गया, कॉन्सेप्ट मतलब थोड़े ट्रिक्स वगैरह का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो उन ट्रिक्स वगैरह का यूज़ करने से आपके कॉन्सेप्ट छोटे हो जाते हैं लेकिन वो ट्रिक्स आपके कॉन्सेप्ट से ही जनरेट होती हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहला काम है आपको कॉन्सेप्ट को अपना बनाना, कॉन्सेप्ट बनाने के बाद आप ट्रिक पे जाएं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ट्रिक सीख लिया कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, अगर आप ये काम करेंगे तो भी आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये तब भी फेल होंगे, दूसरे बार कॉन्सेप्ट आता है ट्रिक भी नहीं आता तब भी फेल हो जाएंगे। तो इससे बेटर है आप पहले कॉन्सेप्ट पे वर्क करें उसके बाद अपनी ट्रिक्स पर वर्क करें। तो ये पोर्शन जो है आपका अर्थमेटिक एडवांस किरण प्रीवियस ईयर या राकेश यादव से आप करेंगे तो आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी चीज, किसी भी पोर्शन में ये मत समझिए कि हमको ये पोर्शन आता है तो उस पोर्शन को हमें करना नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा होता है कि जिस पोर्शन को हम छोड़ रखते हैं उसी पोर्शन से पोर्शन आ जाता है और फिर वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। गलत होने का मतलब क्या है, हमको उसकी कॉन्सेप्ट ही नहीं याद आता है, फॉर्मूले नहीं याद आते हैं। तो सबसे पहला काम जब आप मैथ्स करें तो अपने एक फॉर्मूले की कॉपी अलग से बना लें जिसमें सारे ही फॉर्मूले लिख के रखें और वो फॉर्मूले काफी आप रोज सुबह शाम गीता की तरह पढ़ते रहे। ठीक है, अरे भाई किसी का नाम हो तो माफ कर देना, या जो कुरान वाले हैं वो कुरान की तरह पढ़ते रहे। ठीक है, उसको डेली आपको अपने फॉर्मूले डेली रिवाइज करने हैं, सुबह उठने से
उठने के बाद और रात को सोने से पहले, डॉक्टरों की तरह मत कर देना कि उठने के पहले और सोने के बाद, ठीक है, उठने के बाद याद करने और सोने से पहले याद करने, ठीक है। अपने फॉर्मूले जरूर याद करके रखें, क्योंकि बिना फॉर्मूले के बिना हथियारों के लड़ाई नहीं होती, और मैथ्स में हथियार जो है आपके वो फॉर्मूले ही हैं और आपके कॉन्सेप्ट हैं। जब तक आपको फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे आप लड़ाई को नहीं जीत सकते, ठीक है। सेकेंड थिंग, मूव करते हैं आप इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश आपकी बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड है, वोकैब, ग्रामर और पैसेज। वोकैब, ग्रामर और पैसेज, ठीक है। वोकैब कोई ऐसा पोर्शन नहीं जो आप दो महीने में तीन महीने में तैयार कर सकते हैं। वोकैब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जितना ज्यादा आप पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा आपको वोकैब आता चला जाएगा। तो एमबी का प्रीवियस ईयर जो आता है इंग्लिश का, उसकी जितनी वोकैब है आप उस वोकैब को रीड करें, ठीक है। वोकैब करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मॉर्निंग में 6 से 7, मतलब 6 से 7 एक घंटा आप डेली वोकैब को रीड करें, ठीक है। इसमें वोकैब में आपके 2 से 3 पार्ट है, तो आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, आधे आधे घंटे के 2 पार्ट में, 30 मिनट्स और 30 मिनट्स के 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। एक 30 मिनट में आपको पूरी वोकैब लेकर क्या रिवाइज करनी है, जिसमें आपका एंटोनिम, साइनोनिम, एंटोनिम, साइनोनिम ये रिवाइज हो जाएगा। और दूसरा पोर्शन जो है, दूसरे पोर्शन के 30 मिनट को आप फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 15 मिनट और 15 मिनट। इसमें 15 मिनट में आप 1 वर्ड अपने सारे रिवाइज कीजिए, और सेकेंड 15 मिनट में आप idiom phrase, जो कि आपके इंडिस्पेंसिबल है, ये आने ही आने हैं। 2 मार्क्स का वेटेज ये रखते हैं और 2 मार्क्स का वेटेज करीब ये रखते हैं, और मेंस में ये दोनों वेटेज 20 मार्क्स का रखते हैं, मतलब इंग्लिश के पेपर में 10% वेटेज सिर्फ 1 वर्ड और idiom phrase का ही है। तो इसको करने के लिए आप डेली 15 मिनट को रखें। अब ये कि ये 15 मिनट का टाइम कम है, तो टाइम कम नहीं, आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा और आपको बस इसको ब्रशअप करना है, ठीक है। नई चीज़ें याद नहीं करनी है आपको, बस अपने पुराने वर्ड्स पे ही काम करना है, ठीक है। नया याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो जितना आपने पुराना अभी तक पढ़ा हुआ है वो सारी चीज़ें इस तरीके से रिवाइज करने की कोशिश करें। इन 15 मिनट्स 1 वर्ड, इन 15 मिनट में idiom phrase, 15 मिनट बहुत सारा टाइम होता है, कम से कम आप इन 15 मिनट में 30 से 40, ठीक है, 1 वर्ड पढ़ सकते हैं। idiom phrase कम से कम 20 से 30 idiom phrase इन 15 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं 15 मिनट रेस्ट करते, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दे, 20 मिनट 25 मिनट कर ले, लकीर के फकीर नहीं, 15 मिनट बताया तो 15 मिनट ही लेके बैठ गए, 30 मिनट बताया तो 30 मिनट लेके बैठ गए, यानी कि 6 से 7 मिनट का टाइम आपने 1 घंटे का डिसाइड किया है, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ऊपर करना नीचे नहीं, ये नहीं 45 मिनट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका वोकैब का पोर्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड बात करता हूँ ग्रामर का पोर्शन की, तो ग्रामर के पोर्शन में आपको करना क्या है, ग्रामर भी आपको जितना ज़्यादा सीखना है सीखने से ज्यादा आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई करने का मतलब आपको पता है ये रूल ये होता है, लेकिन जब उसका उससे रिलेटेड इम्प्रूवमेंट आता है या उससे रिलेटेड एरर आती है तो वो आप चीज़ गलत कर सकते थे। तो इससे बचने का सबसे अच्छा प्रोसेस है कि जो प्रीवियस ईयर की एरर्स हैं आप उनको उठाइए, उनको रीड कीजिए, उनको लगाइए, ठीक है। जो आपसे सही हो रहा है वो ठीक है, जो आपसे बार बार गलत होते हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं, उन क्वेश्चन की कॉपी आप अलग से बनाइए और उसको बार बार रीड करिए, सुबह से शाम, जैसे आप यहाँ रीड कर रहे हैं साइमन, वैसे उसको भी रीड कीजिए। और जो आपको नहीं आ रहा है, जो आप छूटे ही नहीं है, जो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं आता, उस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा रीड करने की कोशिश कीजिए किताबों से पढ़ के, ठीक है। 60 डेज का इनम टाइम है, उस टाइम पीरियड में आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाए। और थर्ड आपका पैसेज, पैसेज के लिए भी आप फिर से प्रीवियस ईयर पे जाइए या न्यूज़ पेपर रीड कीजिए, और जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका पैसेज सही होगा। पैसे तो 2 पार्ट आते हैं जैसे आप लोगों को पता होगा, एक तो पैसे हो गया, दूसरा क्लोज टेस्ट हो गया। जैसे कि 2017 में देखा गया था कि पैसे की बजाय किसी किसी पोर्शन में पैसे आ रहा था और किसी किसी पोर्शन में क्लोज टेस्ट आ रहा था, तो पैसे आसान है, क्लोज टेस्ट टफ है। क्यों? क्योंकि पैसे में नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर ऊपर दे रहे होते हैं, क्लोज टेस्ट में ऐसा नहीं है, जबकि दोनों पोर्शन है एक ही। जितनी ज्यादा आपकी रीडिंग पावर होगी उतना ज्यादा आप पैसेज कर सकेंगे, उतनी जल्दी आप क्लोज टेस्ट कर सकेंगे। तो इसका सबसे बेटर सॉल्यूशन है कि आप पैसेज करें, प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट करें और एक कहानी बिल्डअप करने की कोशिश करें, जिससे कि आपका पैसेज और क्लोज टेस्ट सही होने की संभावना ज्यादा हो जाए। और जब आप ये एंटोनिम, साइनोनिम ये सब करेंगे और ग्रामर का पोर्शन करेंगे, तो क्लोज टेस्ट आपका ऑटोमेटिकली सही होने लगेगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट में
क्या है, और ग्रामर का बहुत बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इस कोशिश को करेंगे तो इसमें आपके 50 मार्क्स का अगर है तो 50 मार्क्स में आप इजीली से 40 प्लस मार्क्स गेट कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई इंग्लिश की। आगे आपने जीएस के पोर्शन पे, भाई जीएस का पोर्शन सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। क्यों? क्योंकि लोग जीएस तैयार नहीं करते, क्योंकि टायर टू में तो जीएस आती नहीं, तो लोग कहते हैं मेरे को जीएस से कोई रेलेवेंस नहीं है, मैं जीएस तैयार नहीं करता। लेकिन आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि 2016 और 2017 की कटाव बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है जीएस के मार्क्स। जो जितना जीएस से मार्क्स ले जाएगा टायर वन में, टायर टू में उसको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स टायर वन में किसते हैं, टायर टू का क्राइटेरिया आपको पता है, टायर टू का कट ऑफ हमेशा फिक्स रहती है, उसमें ज्यादा फेरबदल नहीं होता है, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम एक लिमिट सेट है, इससे ज्यादा नंबर नहीं आ सकते और इससे कम आया तो सिलेक्शन नहीं है। तो सारा फोकस आपको जीएस पे रखना है। जीएस के लिए आपको करना क्या है, जीएस में दो पार्ट में ही आपका डिवाइड है, एक जीएस और दूसरा करंट। जैसे कि 2016 और 17 के ट्रेंड में देखा गया है कि करंट के क्वेश्चन 4 से 5 पूछे जा रहे हैं, तो करंट के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, और जो आपके प्रतियोगिता दर्पण वगैरह आता है, अरिहंत का समसामयिकी आता है, उसको आप पढ़िए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा डीप भी जाने की जरूरत नहीं है करंट में, क्योंकि SSC इससे ज़्यादा करंट ज़्यादा पूछेगा। ऐसा नहीं है आप UPSC वाली करंट पढ़ने लगे, PCS वाली करंट पढ़ने लगे, तो वो करंट से कोई फायदा नहीं है। दूसरा बात करते हैं, बात करते हैं जीएस। जीएस के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है जीएस में मेनली आपके चार पार्ट कवर होते हैं, पांच पार्ट कवर होते हैं। फर्स्ट ज्योग्राफी, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा साइंस, चौथा कॉन्स्टिट्यूशन और नंबर 5 इकोनॉमिक। जीएस तैयार करने के लिए आप क्या करें, मॉर्निंग का 6 से 7 टाइम आपने वोकैब के लिए दे दिया, उसके बाद आप मॉर्निंग में 7 से 9 AM 2 घंटे मॉर्निंग के सिर्फ इनमें से किसी एक पोर्शन को दे दें, एक घंटा करके 2 पोर्शन को दें एक साथ में, क्योंकि अगर एक ही पोर्शन पूरा 2 घंटे पढ़ेंगे तो दिमाग थक जाएगा और दिमाग कन्फ्यूज होने लगेगा। तो 1 घंटा आप किसी एक पोर्शन को दे दें और 1 घंटा किसी एक पोर्शन को दे दें और चीज़ों को आप कायदे से पढ़ें और कायदे से उसको याद करें। जैसे कि आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के साथ आपको जो चीज़ पहले से आती है जो आपको रिवाइज करनी है उसको कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे हिस्ट्री साइंस पढ़ लिया आपने या हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सरल पार्ट है और सबसे स्कोरी पार्ट है, इसमें क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को आप पहले तैयार करें। साइंस भी लोगों ने जनरली पढ़ रखी होती है तो साइंस तैयार कर लें। प्रॉब्लम आती है हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ब्रॉड है और ज्योग्राफी बहुत ब्रॉड है, तो आपको करना क्या है, ज्योग्राफी हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस कर लेना है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन पे अगर भाई आगे तो आपका 6 नंबर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो फोकस सब पे करना है। ज्योग्राफी में स्पेशली आपको ज्योग्राफी में लिस्ट बहुत ज्यादा याद करनी है, लिस्ट को प्रॉपर याद करें, जैसे कि झीलें कौन सी कहाँ है, कौन से सागर कहाँ है, ठीक है, कौन सा रेगिस्तान कहाँ है, ठीक, कौन सा पर्वत कहाँ है, ये सारी चीजें आपको, या इंडिया में कौन सा पर्वत कहाँ पर है, ये सारी चीजें आप एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट को आप जहाँ पे बैठ के स्टडी करते हैं उसके सामने आप चिपका लें, तो डेली वो आपकी नजरों के सामने रहेगी और जो चीज नजरों के सामने ज्यादा रहती है उसे ऑटोमेटिकली प्यार हो ही जाता है। प्यार होने का मतलब ये चीजें आपको जल्दी याद हो जाएंगी, पता है ऐसा भाई, जिससे प्यार होता है उसको नजरों के सामने रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, तो ऐसा समझ लो ये हमारा प्यार है और उसे हमें नजरों के सामने रखना ही रखना है। ठीक है, 7 से 9 2 घंटे हो गए, उसके बाद अब चीजों को याद कैसे रखना है, भाई जो रिवाइज किया उसको ये भी तो हमें चेक भी तो करना है कि चीजें हमें याद है कि नहीं है, तो आप दोपहर का किसी टाइम निकाल के उसको फटाफट रीडिंग कर लें और चीजों को याद करने की कोशिश करें। शाम के टाइम सोने से पहले आप जो चीज आपने सुबह पढ़ी है उसको रिवाइज करें कि चीजें आपको याद है कि नहीं है, इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, चीजें याद करेंगे या काम कर सकते हैं। जो भी चीजें आपने याद करी है अपने घर में किसी बंदे को पकड़ लिया या आपने बहुत अच्छे दोस्त को, ऐसे दोस्त को मत पकड़ लेना जो तुम्हें पढ़ने नहीं देता है, ठीक है, जो खुद तैयारी कर रहा है उसको पकड़ लेना, कहना भाई तू मेरे सुन ले मैं तेरे सुन लेता हूँ, ये चीजें मुझे याद है कि नहीं है, जब कोलैबोरेशन की चीजें करेंगे तो भी आपको ज्यादा याद होगा। ठीक है, उसके बाद सुबह आपने पढ़ लिया, शाम को भी तो पढ़ना ही पार्ट यार, ऐसा नहीं शाम को छोड़ देना, सुबह शाम आपको 2 पार्ट सबसे ज्यादा पढ़ने, इंग्लिश और जीएस, सुबह भी पढ़नी है इंग्लिश, शाम को भी पढ़नी है इंग्लिश,
मैथ तो आपने दोपहर के टाइम करके खत्म कर दी, उसके बाद उसको छूने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 घंटे पढ़ने के बाद मैथ को छूना, ठीक है। इंग्लिश सुबह भी याद करनी है, शाम को भी याद करनी है। जीएस सुबह भी याद करनी है, शाम को भी याद, 1 से 1.5 घंटा शाम को, 1 से 1.5 घंटा आप निकाल सकते हैं। आपने 2 पोर्शन तैयार करें, 1 पोर्शन ऑलरेडी वो पोर्शन आप 1 से 1.5 घंटे में, लेकिन ऐसा पोर्शन उठाइए जो आपको आता है, आने का मतलब आप चीजें उसमें बार बार भूलते तो वो पोर्शन यहाँ पे स्लॉट में फिट कर दीजिए, तो आपको वो पोर्शन भी आपका रिवाइज होते हुए चला जाएगा। तो मतलब जीएस के लिए आपको मेनली 3 से 3.5 घंटे देने हैं, इंग्लिश के लिए भी आपको 3 से 3.5 घंटे देने हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए आप 2 से 2.5 घंटे दे दीजिए, ठीक है। आपको मैथ्स के लिए 2 से 2.5 घंटे दे रहे हैं यार, मैथ्स तो टायर्ड तुम्हें भी आती है, इस पर कम काम क्यों कर रहे हैं, कम काम नहीं, आप कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, 2 से 2.5 घंटे में कॉन्सेप्ट आपको बहुत हो रहा है, क्योंकि मैथ का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक बार दिमाग में फंस गया तो दोबारा निकलना नहीं है, लेकिन इंग्लिश और जिसका ऐसा नहीं है, आप अभी याद करेंगे 5 मिनट के बाद चीज़ें भूल जाएंगे, और एक तो इंग्लिश की वोकैब में वर्ड ऐसे होते हैं प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता है जल्दी, तो याद क्या होगा भाई, जीएस में भी है, ठीक है, हिस्ट्री में नाम ही ऐसे है, ठीक है, याद ही नहीं होते, मोहम्मद बिन तुगलक, कासिम बिन तुगलक, सब तुगलक के तुगलक, सब आपस में मिक्स हो गए, तो चीज़ें आपको ज़्यादा इस पर वर्क करना है, ठीक है। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग लास्ट पार्ट, भाई जो कुछ नहीं कर पाता वो रीजनिंग को कर ही लेगा भाई, तो रीजनिंग के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा लें, किरण का ले लें या अम्बी का ले लें, किसी का भी ले लें, ठीक है, उसको सारा लगा लीजिए, ठीक है। रीजनिंग तो वैसे भी सबसे अच्छी होती है, मार्क्स कर ही रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग तो वैसे भी इंटेलिजेंट होंगे रीजनिंग के माध्यम से, ठीक है, तो रीजनिंग में ज़्यादा एफर्ट कर लेंगे तो भी बढ़िया है, नहीं कर लेंगे तो भी बढ़िया है, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन आप इतना काम करेंगे तो आपका डेफिनेटली 160+ स्कोर बनेगा, और ये मैं आप लोग इसलिए बता रहा हूँ कि चीज़ों का फॉलो कर चुका हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके 160+ स्कोर आएगा, और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा भाई, फाइनल सिलेक्शन होगा, अगर आप इसी तरीके से रूटीन बना के चलेंगे, 8 से 10 घंटे आपने पढ़ते चलेंगे, बाकी बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए कि आप 160+ का स्कोर लाएं और फाइनल सिलेक्शन लें, तो फाइनल सिलेक्शन में कृपया, ठीक है, बताएं भी लोगों को, ठीक है, उत्साहित हुई।